स्टूडेंट टुडेज एज स्टार्ट्स न्यू टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस सिंस दिस चैनल्स नेम केमिस्ट्री एकेडमी वेलकम टू यू स्टूडेंट्स प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक्स एंड कलेक्टेड द एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग्स प्लीज स्टूडेंट्स बी केयरफुल्स एंड चैनल्स आर दिस वीडियो इज Like, share, subscribe, and bell icons. Press. Okay, the students. On board is write. The topic is important. Please to see on boards and start its topics. Today's topics name physical properties or group 15. ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी ग्रुप 15 का भौतिक गुण आज हम देखेंगे वह है क्या. पॉइंट फर्स्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक. ओके, यानी ग्रुप 15 के अंतर्गत जितने एलिमेंट होते हैं वे सारे जो हैं पॉली एटॉमिक होते हैं. यानी ग्रुप 15 के अंदर पांच एलिमेंटों को रखा गया. कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी और बिस्मथ. ये जितने भी पांचों एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट्स 15 ग्रुप इन पॉली एटॉमिक्स एलिमेंट्स. ये पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं. अगला पॉइंट है आपका डाइनाइट्रोजन इज ए डाइएटॉमिक गैस व्हील. यानी डाइनाइट्रोजन जो होता है डाइएटॉमिक गैस होता है. व्हील ऑल अदर आर सॉलिड्स एंड अदर जो होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी एंड बिस्मथ जो होते हैं वे अदर जो हैं ये सब वे क्या होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ग्रुप 15 अप टू डाउन एज ए मेटेलिक कैरेक्टर एज ए इंक्रीज. ओके, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल. ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस एज ए नॉन मेटल्स. आर्सेनिक एंड एंटमनी मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज ए मेटल. बिस्मथ जो होता है मेटल. फिर से एक बार सुनिए, यानी ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी और बिस्मथ है. ये पांच एलिमेंट्स हैं. पांचों एलिमेंटों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है नॉन मेटल होते हैं. आर्सेनिक, एंटमनी जो होता है मेटलॉइड्स होता है और बिस्मथ जो होता है वे क्या होता है? तो मेटल्स होता है. बिल्कुल आपने समझ लिया. आगे चलते हैं. दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एन्थैल्पी. ग्रुप 15 के अंतर्गत अप टू डाउन चलते हैं तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी जो होता है वह डिक्रीज करता है. ओके, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. यानी ग्रुप 15 के अंतर्गत अप टू डाउन चलेंगे आयनाइजेशन एन्थैल्पी डिक्रीज करता है और एटॉमिक साइज जो क्या करता है? इंक्रीज करता है. द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजली. द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरली इंक्रीज. यानी अप टू डाउन ग्रुप 15 एटॉमिक साइज एज ए इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट एज ए जनरली इंक्रीज. यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह सामान्यतः जो होता है वह बढ़ता चला जाता है. ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी ऊपर से नीचे के तरफ. ओके, इन द ग्रुप बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन द डिक्रीज अप टू बिस्मथ. यानी ग्रुप 15 के अंतर्गत चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है
वह नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक के आर्सेनिक तक जो होता है इंक्रीज करता है, और उसके बाद जो होता है एंटमनी से लेकर बिस्मथ तक जो है डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट। एक्सपेक्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स सो एलोट्रॉप्स, यानी नाइट्रोजन से लेकर और जितने भी एलिमेंट्स हैं पांचों, वे जो है एलोट्रॉप्स रिप्रेजेंट करते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब वह अपना एक अपरूप डिनोट करते हैं ग्रुप 15 के अंतर्गत जितने एलिमेंट्स रखे गए, यानी ग्रुप 15 अंदर इन एलिमेंट्स नेम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी एंड बिस्मथ, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म, यानी ये एलिमेंट जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे टॉपिक जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखा ये बिल्कुल क्लियर आपने समझ लिया। इस पर जो है हम क्वेश्चन करेंगे, प्लीज स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द 15 ग्रुप ऑफ physical properties, explain the physical properties of 15 group, 15 group का physical properties क्या है आपको explain करना है, and इसको solve करने के बाद तुरंत आप जो है इसको check कराएं। Okay, thanks।